अंकल जी, मैं आपको जो है ना दिक्कत में डाल सकता हूँ, आपके खिलाफ FIR के लिए ऑर्डर कर सकता हूँ फॉर कौन टेलिंग लाइज, एंड आई कैन इशू कंटेम्प्ट नोटिस ऑल्सो फॉर टेलिंग लाइज इन दी ओपन कोर्ट, एंड एवरी प्रोसीडिंग इज रिकॉर्डेड सॉरी हियर। सर, गलती यू हो कैन गई नॉट सर। नाउ रिगल आउट। प्रोजेक्ट ऑफिसर से नहीं मतलब, ये कमिश्नर को बुलाइए महिला एवं बाल विकास के, उनके सामने इनका कंडक्ट और चरित्र बताया जाए जरा। जानकारी नहीं थी, यू आर मिस। मैं कैश बुक से यहाँ देख लेता इतने हूँ सर। वकील साहब लोग बैठे हैं, पीछे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, नोबडी कैन से कि आप जानकारी दे रहे थे, आप मिसलीड करने का पूरा प्रयास कर रहे थे। बताइएगा कहाँ से लेकर आए हो आप, कहाँ की खोज है आपकी ये? सर जो तत्कालीन प्रोजेक्ट ऑफिसर थे सर 2013 में, उनके द्वारा ये नहीं तो कहाँ से लाए, कुछ कारण तो कुछ तो बताएंगे क्योंकि ये मैं कंप्यूटर निरीक्षक फॉर्म में, क्योंकि इनकी तो जो है जो एप्लीकेशन लगी है, जो इन्होंने फाइल की थी अपनी नियुक्ति के लिए, उसमें तो डेट ऑफ बर्थ 1/1/60 नहीं लिखी नहीं, है। 1/1/60 नहीं लिखी सर, वो निरक्षर थे। तो अब उस समय जो भी तत्कालीन प्रधानाधिकारी थे सर, उनके द्वारा पूछ कौन थे कराया बताइएगा, उनका नाम बताइएगा, आपके विभाग में बोलते एडिशनल चीफ सर। सेक्रेटरी को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, ये मत बताइएगा नाम आपको नाम नहीं मालूम है। तो हाँ सर, मुझे नाम नहीं। नाम पूछ के आइए, मैं 12 बजे केस लूंगा, नाम पूछ के आइए, जी सर, नहीं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नहीं सर, लिखूंगा इसमें। बाकी सब बारह जानकारी बजे पूछ के आइए कि इन्होंने ये किया है। आई नॉट ओनली क्वेश्चन दिस ऑर्डर वो रिटायर डायरेक्ट। नहीं सर, करुणा सर खरे एक मैडम की एक सर। जी, एक निवेदन नाम और नाम कैसे आ गया आपको अचानक से? अचानक से नाम कैसे मालूम पड़ गया आपको? कोर्ट के सामने झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? शुड आई नहीं, अब आपको अचानक से नाम कैसे मालूम पड़ गया? किसको केस बचाना चाह रहे? नहीं मैं आपने, किसी को नहीं बचाना सर। आपने फिर अचानक से कैसे नाम मालूम पड़ वो गया आपको? सर वर्ष 13 आप यू आर अ प्रोजेक्ट ऑफिसर, जी सर, गजेटेड ऑफिसर हैं जी आप, सर, ये आपका कंडक्ट है कोर्ट में, सॉरी सर, ये आपका कंडक्ट है कोर्ट में। सॉरी। आप यहाँ कोर्ट में झूठ बोलने का साहस करते हैं तो निजी जीवन में और अपने कार्य क्षेत्र में कितना झूठ बोलते होंगे आप? मैं निवेदन करना चाहूंगा सर, वर्ष 13 या 14 में एंट्री हुई है सर, वो हमें उससे तत्कालीन मतलब नहीं सरकार। है, हमें उससे मतलब नहीं मैं है। सर 12 बजे नाम पूछ के सर परफेक्ट बता रहा हूँ फिर अभी सर। आपने कैसे नाम बताया? करुणा खरे, आपके पहले कौन थी ये बताओ? मेरे पहले सुलेखा ठाकुर थी सर, 2014 से 18, वो वो भी रिटायर हो गई? अभी हैं सर। आप लोग 5-5, 6-6 साल एक ही एक जगह पे टिके रहते हैं? मैं 19 से हूँ सर। हाँ 5 साल हो गए आपके, 14 के पहले कौन थे? 14 के इसीलिए। पहले सर करुणा खरे मैडम थे। हाँ ये एंट्री कब हुई थी जो आप बता रहे तो हो? वर्ष 13 या 14 अभी थी सर, इसीलिए एग्जैक्ट तो आप लोग इतने जो है निडर हो गए हैं कि कोर्ट के सामने झूठ बोलने से शर्म नहीं आती आपको। ये एंट्री किसके टाइम में हुई थी? आपको यहाँ शक्ल देखने के लिए, TADA बनाने के लिए नहीं बुलाया है मैंने। मुझे बताइए ये एंट्री किसके टाइम में हुई थी? गिव मी दी एग्जैक्ट डेट ऑफ द एंट्री। वो रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा सर कभी। मैं आपके खिलाफ FIR दर्ज कराऊं यहीं से रिकॉर्ड घुमाने के लिए? नहीं सर, मुझे अगर मालूम रिकॉर्ड नहीं नहीं सर, मिला तो आपने FIR दर्ज कराई? ढूंढ ही रहे हैं सर हम लोग रिकॉर्ड सर। उसकी बैंक पासबुक मिल गई है सर, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, अभी FIR आप नहीं जितना कर झूठ, रहे। आपका नाम क्या है? रिंकल घनघोरिया सर। रिंकल जी, मैं आपको जो है ना दिक्कत में डाल सकता हूँ, आपके खिलाफ FIR के लिए ऑर्डर कर सकता हूँ फॉर सॉरी सर, टेलिंग लाइज, एंड आई कैन इशू कंटेम्प्ट नोटिस ऑल्सो फॉर टेलिंग लाइज इन दी ओपन कोर्ट, एंड एवरी प्रोसीडिंग इज रिकॉर्डेड हियर। सॉरी सर, गलती यू हो कैन गई नॉट सर, नाउ रिगल आउट सॉरी मिस्टर सर, रिंकल, यू विल नॉट बी एबल टू रिगल आउट। ओके सर, नो, अब नहीं होगी सर गलती सर, सॉरी सर। झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं आप। सर उसकी बैंक के पासबुक है सर हमारे पास, नियुक्ति आदेश है जो उसके ज्वाइनिंग के उस समय में। मैंने पूछा कि कंप्यूटर शीट में किसने एंट्री की जिसमें आपने इनकी जन्मतिथि 1/1/1960 एंटर की, उसका आधार क्या है? या तो आपको अंग्रेजी नहीं आती तो विश्व हिंदी में बता रहा हूं मैं आपको। ऐसा कोई दस्तावेज है जिसके नहीं, आधार पे किसके आधार पर यह एंट्री हुई थी और सर, किसने की थी एंट्री? ये बता दीजिए बस, एंट्री किसने की थी सर? मैं 12 बजे क्लियर करके बता रहा हूँ सर। क्लियर मैं बताइएगा नहीं तो आपको भेजूंगा मैं यहां से, ठीक है? तैयार रहिएगा, क्योंकि जिला आपने ऑलरेडी दो गलतियां कर दी हैं कोर्ट से झूठ बोलने की। कोर्ट को इतना हल्के में मत लीजिए आप। सॉरी सर, हु इज सुपीरियर ऑफिसर टू हिम? डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर से नहीं मतलब, ये कमिश्नर को बुलाइए महिला एवं बाल विकास के, उनके सामने इनका कंडक्ट और चरित्र बताया जाए जरा। बुला लीजिए सॉरी उनको, सॉरी कल रखते हैं, सर, कल बुला सर लीजिए कमिश्नर वीमेन एंड चाइल्ड सर डेवलपमेंट को। निवेदन कर रहा नहीं, हूँ, सॉरी सर सर, लिखिएगा श्री पर रिंकल सर गंगोरिया सर एक इज मिनट टेलिंग लाइज वन आफ्टर अनदर। फर्स्ट सर, एक निवेदन ही सेड दैट ही डज नॉट नो द नेम ऑफ द ऑफिसर।
who had made entry in the computer sheet in regard to date of birth of the petitioner as 1/1/1960. Thereafter, he said that it was Srimati Karuna Khare who has retired. Full stop. After not knowing the name, he could disclose the name within no time. Next para. When this court categorically asked him that who was responsible or during whose tenure entry was made in the computer data to show date of birth of the petitioner as 1/1/1960, he submits that records are not available. Next para. When this court asked him as to whether any FIR has been lodged for loss of record, he submits that records are still being traced. Full stop. This is a very serious matter that an officer of the state is behaving so arrogantly and indifferently and is not shy of telling lies after lies. Full stop. His conduct is not appreciable. Full stop. Let Commissioner Women and Child Development remain personally present tomorrow to assist this court and answer the queries of this court. Kal bula lijiye unko. Sir, Manasmani Verma will communicate this order to the commissioner who shall remain personally present. List tomorrow, top of the list. सर कल निवेदन है सर कल परसों दमोह का चुनाव में सर तो क्या कर सकते हैं सर तो मुझे ईवीएम वगैरह अलॉट होगी सर हो गई होगी आप हो आपको आपको वो इलेक्शन ऑफिसर सस्पेंड करेगा जो वहां ना जाने पर यहां तो कल आपको आना है कोर्ट में कमिश्नर के साथ में सर निवेदन तो सर क्या कर सकते हैं चुनाव 27 को है नहीं 26 को है सर 26 को होगा 26 को होगा तो आप जाइएगा यहां सुबह 10:15 बजे पहले आइए उसके बाद जाकर 6 बजे उपस्थित होना है सर वहां पर आपके कलेक्टर जाने और आप जाने जितना आप झूठ बोलते हैं इतनी सहजता से सर मुझे तो जानकारी थी जानकारी नहीं थी यू आर मिसिंग यहां इतने वकील साहब लोग बैठे हैं पीछे ऑफिसर्स बैठे हुए नोबडी कैन से कि आप जानकारी दे रहे थे आप मिसलीड करने का पूरा प्रयास कर रहे थे कल आइएगा सुबह 10:15 बजे कल सुबह 10:15 बजे आइएगा कमिश्नर के साथ में वो जानेंगे आपके साथ क्या करना है काइंडली सी लास्ट ऑर्डर शूट माय लास्ट डे वन अनलेवी को डायरेक्ट कोई काम करिए इसका कल चुनाव है इसको इसको जो है मंडे को रखते हैं मंडे को बुलाइए अपने कमिश्नर को वो बोल दीजिए वो कल चुनाव करवाने दीजिए मंडे को आएगा 29 तारीख कर दीजिए 29 टॉप ऑफ द लिस्ट जाइए कल चुनाव कराइए 29 को आ जाइएगा सुबह 10:15 बजे अपने कमिश्नर को लेकर